जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी ये रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं और अभी मैं फिटनेस से फारिग होके स्विमिंग से फारिग जा रहा हूँ वापसी घर की तरफ। तो रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं। अब कोरोना के बाद हम लोगों का जिम तकरीबन सुबह तक खुला है 24 घंटे। तो बारिश भी हुई, मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है। ऑस्ट्रेलिया के शहर वियना से एक नई ब्लॉग के साथ अली फिर आप लोगों के साथ हैं। तो जिम के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है और ना मैं अंदर भी कुछ क्लिपें अपना डाल देता था तो अलाउड नहीं है। फिर भी एक दो छोटा छोटा शॉटें मैंने लिया है, एक छोटी छोटी क्लिपें, तो वो आप लोग देख सकते हैं। इसी के दरमियान इसी के बीच में मैं फिर डालूँगा। तो या जिसका अपना मर्जी, जो जहाँ चले जाए कोई पाबंदी नहीं है। कोई अगर जिम जा रहा है, कोई अगर बैठ के वहाँ पी रहा है, तो हर किसी को अपना आज़ादी है। किसी के धर्म, किसी के मज़हब से किसी को लेना देना नहीं है। ये बड़े ज़बरदस्त सिस्टम है यहाँ के। तो ये बिल्कुल रेड है, मगर मैं फिर भी जा रहा हूँ। इनके ऊपर जो है कैमरे लगे हैं, अगर फिर कोई तस्वीर वस्वीर आ गया फिर प्रॉब्लम होगी, वैसे नॉर्मल तो कुछ भी नहीं है। अच्छा हाँ, मैं वैसे वैसे जा रहा था, कुछ दिनों पहले मुझे याद आ रहा था। ये कोने कोने, अभी मैं फारसी मिक्स कर रहा था। ये पुराने कपड़े जो आते हैं जी पाकिस्तान में, जिसको लंडा कहते हैं, किधर से लिया, लंडे से लिया, किधर से लिया, लंडे से लिया। तो स्टोरी क्या है लंडे की, यहाँ पे भी सड़कों पे लोग रहते हैं बायर। ये देखो, ये माई को दो रात से मैं देख रहा हूँ कि ये बायर बैठा है। इसके पास मेरे ख्याल से घर मर नहीं है, पता नहीं क्या मसला है इनको। दो रात से मैं देख रहा हूँ कि ये यही है। तो खैर, हर किसी को अल्लाह ताला अपने इस सामान में रखे। ये वाकई बुरी हाल है जो इस तरह किसी के पास घर नहीं हो रहने के लिए। ये सर्दियों का मौसम, मैं भी देखें आप मुझे, मैं बिल्कुल जैकेट में, बहुत सर्दियों वाला जैकेट में बाहर आया हूँ। तो अल्लाह माफ़ करे, किसी इंसान पे भी, किसी मुसलमान पे भी ये हाल नहीं लाए। अच्छा खैर, छोड़िए इन बातों को। ये रातों पे हमने भी बाहर बहुत गुजारे, बहुत सारी रातें हम लोगों ने गुजारे। तो बात होती है ये लंडे की, जो हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में, यहाँ वहाँ जाते हैं, पुराने कपड़े लोग बड़े खुश हो के उसको पहनते हैं। यहाँ पे सिस्टम इस तरह है, जो किसी का कपड़े पुराना हो उसे फेंकना चाहे तो कचरे में नहीं फेंकता, दूर नहीं फेंकता। उन लोगों के लिए मखसूस एक ख़ास जगह बना हुआ है, जिस तरह ये जगह बने हुए। आप देखिए, इसमें तौर तरीका भी लिखा है कि आप किस तरह डाल सकते हो, किस तरह दो के फलान करके फिर डाल सकते हो, या फिर जब आप ऊपर रखोगे तो इसको ऐसे धक्का दोगे तो सारा अंदर जाएगा। एक ये तकरीबन बहुत सारी जगहों में ऐसे इस तरह के पड़े हुए हैं। और ये वगैरह, ये तो बोतलों के लिए हैं,
कोई प्लास्टिक का, कोई शीशे का, अलग अलग बोतल, बहुत सारे डब्बे रखे हैं हर किसी का। ये पार्क के आसपास मखसूसन रहता है, तो हम चलते हैं यहीं से। घर भी मेरा नज़दीक हो जाएगा यहाँ से, कुछ ही मिनट में चल के मेरा घर भी पहुँच जाएगा। वो बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, अगर आप लोगों को नज़र आए तो। ये कोई दिन मैं इस तरह ब्लॉक फिर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ये मैं किसी को कोई बुरा नहीं माने, किसी को ताना नहीं दे रहा हूँ, किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ, बुरी बात में नहीं है ये। जब हम लोग भी नए आए थे तो हम लोग भी जब तक अपना सिस्टम सेट नहीं किया तो हम लोगों के पास भी इसी तरह इधरी से कपड़े धो के फिर हमें अजूलाम पे जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ हमें इसी तरह के कपड़े मिलते थे, मगर नए नए साफ़ सुथरा धो के लाते थे फिर हम लोग पहनते थे। बिल्कुल नया इस तरह साफ़ सुथरा प्रेस करके लाते थे, जो हम लोग बोलते थे ये बिल्कुल नया है। तो इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे फिर कोई मेरा ब्लॉग दे के फिर बोले कि यार तुम तो ताने दे रहे हो हमें, हमारे मुल्क को फला। नहीं, जो बात हकीकत है हकीकत है। अच्छा, यहाँ पे कपड़े फेंकने की बात हुई थी। जो भी जो चीज़ इस्तेमाल नहीं करता उसको छोटा होता है बड़ा होता है। यहाँ पे तो कपड़े एक तरीक़ा से बहुत सस्ता मिल जाता है। देखिए, ये सिस्टम नहीं है कि आप लो दर्जी को दो कपड़े, लो दर्जी को दो दर्जी उसको बना दें, नहीं। सिस्टम क्या है, पैंट है, शर्ट है, ये आप जिस टाइम जाओगे आपको तैयार मिलेगा बना बनाया, आप वही से लेके आराम से पहन सकते हो। कोई बड़ा प्रॉब्लम अगर उसमें होगा तो पैंट जो है कोई लंबा है कोई जो लंबा है उसको काट के 2 मिनट में दर्जी वो भी आपको बना के दे देगा। पर दोस्तों, दुआओं में याद रखना। फिर इंशाल्लाह एंड में मैं अपनी फिटनेस के भी एक छोटा सा ब्लॉग डाल दूंगा, आप लोग वो भी देख लेना। तो फिलहाल मैं फिट नहीं हूँ, मैं पूरा नहीं बता सकता कि मैं किस तरह फिटनेस करता हूँ, मैंने कितनी बॉडी बनाई है, नहीं, क्योंकि 2 साल गैप रहा। मैंने जब शुरू किया 6 महीने से, 6 महीने के बाद 2 साल गैप रहा, तो 2 साल गैप की वजह से मेरे बहुत यानी पुर्जे कह सकते हैं वो डीले हो गए। ओके दोस्तों, दुआओं में याद रखना। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी ब्लॉगें शावरमा की भी मिलेगी। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।